इस थाली में खाया उस थाली में छेद किया भाजपा वाले ने। पूरे महाराष्ट्र के हिंदुस्तान में मशाल चुन के आएगा मोदी गद्दार और वो दाढ़ी वाला गद्दार रह करके। 140 खुद के फैमिली लेके देखो, पहला खुद के फैमिली देखो। हमारे बाला साहब की तो फैमिली है। अमित शाह उसका बेटा कौन है, क्या है वो, कैसे अपने बेटे चलते हैं, दूसरे के बेटे नहीं चलिए क्या? 2024 के चुनाव में आप लोग तैयारियां करेंगे, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है ये साफ तौर पर शिवसेना को भी बताने लगी कि नकली हिंदू है। मैं आपसे भी जानना, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को नकली हिंदू बताती है? कौन बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। वही खुद जांच कर ले असली या नकली है, हमें बोल रहे हैं। क्योंकि दो गुटों में बांट दिया गया शिवसेना को, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे, जो भाजपा की तरफ से ये आरोप लगते हैं कि सेकुलर की तरफ चली गई है उद्धव गुट के, तो कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को? उन्हें खुद को पता है क्या, जब हमें बाला साहब के यहाँ पे जो अभी बोल रहे हैं ना कमल वाले, उस टाइम पे बाला साहब के घर पे वो चलता था, अभी बोल रहे हैं हम लोग हिंदू नहीं है, हाँ सेकुलर है, कौन सा बात तरीका बात कर रहे। जब हमें हमारी जरूरत थी तब फायदा ले लिया, उठा के आए चुन के हर जगह पे, हाँ मगर कमल किचड़ में उगा रहा, ये सोचो किचड़ खुद पे अंग पे गिर रहे, हमारे पे नहीं है। और अभी तुम लोग, हमारा वक्त आ गया, अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। इलेक्शन तो होने दो, बाजी हम मारेंगे। 2024 के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, कैसे हटाएंगे मोदी जी, तो 400 का पार कटावा कर रहे हैं। जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे बाला साहब के यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे बाला साहब पे चला, अभी बाला का बेटा नहीं चाहिए, बाला साहब के बेटे को हराने के लिए कितना कर रहे हैं वो, कितनी कोशिश करे, तू कोशिश कर ले मगर बाजी हम जीतेंगे। ये बाला साहब की रनर रागिनी सब है, हम क्या चीज है, जो अभी मशाल है ना वो मशाल से हम लोग जो आएगा ना उसको हम लोग जला के रखेंगे। महाराष्ट्र से एक मशाल जलेगी 2024 के खिलाफ? जरूर जलाएंगे, क्यों नहीं जलाएंगे, पूरे महाराष्ट्र के हिंदुस्तान में मशाल चुन के आएगा, मशाल चुन करके पूरे हिंदुस्तान में आएगा। क्या लगता है, जो आरोप लगाए गए और ये बताया गया कि शिवसेना जो उद्धव गुट है वो नकली है, असली सिर्फ वही है, और पूरे देश में ये पोस्टर लगे हुए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? देखो सब जनता को मालूम, राम को लाए हैं, जिस वक्त वो जो मैटर हुआ उस टाइम पे कोई बोला नहीं था कि हमने किया करके, मगर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे बोले कि हमने किया करके, तभी कहाँ गए थे इन लोग, तभी नहीं बोले हमने किया करके, सिर्फ डेयरिंग किसमें थी, बाला साहब ठाकरे ने बोले कि हमने किया करके, अभी बोल रहे क्या राम का मुद्दा उठा रहे। फर्स्ट टाइम बाला साहब ठाकरे ने उद्धव उठाया था, और वो राम जी की जो भूमि है ना, फर्स्ट टाइम हमारे बाला साहब ठाकरे उद्धव साहब जाके आए थे। क्या लगता है, जो ये कहा गया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, देश की जनता चुनेगी उन्हें? देश की जनता हमारे उद्धव साहब को ही देगी, क्योंकि सब जनता को पता है कि मोदी गद्दार और वो दाढ़ी वाला गद्दार रह करके, तो ये जनता है ना वही न्याय करने वाला, और जो हमारे हाथ में मशाल है ना वो सब जनता मतदान दे के हमारे उद्धव साहब को, हमारी सब महिला, पूरा महासागर जो मुंबई में महाराष्ट्र में वो हमारा भगवा झंडा जरूर जरूर फड़काएगा, और ये गद्दार लोग को मिट्टी में मिला देंगे। आपको लगता है कि मैम जो ईवीएम जब उनके हाथ में है और रिजल्ट जिस तरीके से भाजपा अपने अनुसार ढाल लेती है? नहीं नहीं, वो तो गलती है, वो तो वो अभी वैसे ही बिना नहीं कर रहे, उनको पता है अगर वोटिंग पेपर पे लिया तो वो तो हारने वाली है ही, वैसे भी वो हारने वाले है ही, लेकिन हम अगर हिम्मत है तो निकाल देना मशीन, निकालो पेपर पे देखो क्या होता है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो निकाल सके, यही तो है भाजपा, देखो कैसे चोरी से सब किया, रात के अंधेरे में सबको भगा लिए, अगर हिम्मत थी तो सामने आके बोलते थे, नहीं बोला उन्होंने ना, यही तो भगोड़े हैं सब, अभी जो गए भगोड़े अभी बोलते हम आते हैं, उनको कोई नहीं लेगा ये सब जानते ही है, क्योंकि गद्दार है वो। क्या लगता है मैम, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में गद्दारों को सबक सिखाएगी एकनाथ शिंदे? जरूर, क्यों नहीं, कौन सिखाएगी, हम सिखाने वाले हैं। जो आप बोल रहे एकनाथ शिंदे जी कौन था क्या था, भूल गए वो दिन,
किसके लिए आप आगे बढ़े? आप चार आदमी पहचानते किसके वजह से? चार अक्षर शिवसेना के वजह आपको पहचानते। आप कौन थे? आप रिक्शा चलाने वाले इंसान थे। आज आप करोड़ प्रॉपर्टी है किसके वजह से? आप ईडी लगाते, आपके ऊपर क्यों नहीं लगाते ईडी? आपके यहाँ जाने के बाद सब धोते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के सचेत क्यों? इतने करोड़ों के लोग हैं तुम्हारे इसमें, अब जो करोड़ों घोटाला किया उनको अंदर डालो ना, क्यों नहीं डालते? अबे हमारे पार्टी के जो लोग हैं ना जानबूझ के जो गरीब है उनके ईडी लगाते, तुम्हारी इतने प्रॉपर्टी, अरे जो उनके माँ बाप के प्रॉपर्टी है तो बच्चा रखेगा ही ना, तो नहीं तुम्हारे, तुमने कमाए ये ऐसा ईडी लगा के। अभी इनके पास क्या है? हथियार, वही ईडी का हथियार है, बाकी कुछ नहीं। लगाओ ना पंकजा मुंडे, अजीत पवार जो अभी गए, चौहान गए, लगाओ ना ईडी उनके ऊपर। तो सारे दाग, अब तो सारे दाग धुल गए उनके, क्यों उन्हें लगा रहे हो? आप खाए, खाने के साथ अलग, बताने के साथ अलग, खुद का झाके रखने का दूसरे को ओपन करने का ये इनका अभी है। हमें मत सिखाओ, हम ये है ना बाला साहब की रनर आगे नहीं, सबको मालूम है आप क्या चीज थे क्या नहीं, सब लोग। अभी ये बीजेपी वाले खुद ही मारे, हम है हम, अरे हम है, हमने सपोर्ट किया करके हम हो गए। अगर हम सपोर्ट नहीं करते 2019 में हमने किया ना, 19,000 में 19 साल में हमने हेल्प किया था ना, गठबंधन था तभी। अभी आप हमारे उद्धव साहब के पीछे हाथ पड़ के गिरेंगे, मगर हमने लिया अभी जो पहले लोग है बुजुर्ग उनको पता है तीर कमान एक ही बात है निशानी पहली, मगर अभी बुजुर्गों बोल रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे की निशानी है, बाला साहब ठाकरे की निशानी है ना पहले, अभी इन लोगों ने इनकी निशानी, आपकी निशानी कहाँ से आए? उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पक्ष प्रमुख बाला साहब ने किया, तभी तुम्हारी पैदाशी भी नहीं होगी। तभी बाला साहब ठाकरे जेल में जाके उन्होंने ये संगठन बनाए शिवसेना, अभी आप बोले हमारी, तुम्हारे कहाँ से है? आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो 32 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लाने का काम किया, क्या ये गलती मानते हैं कि भाजपा को लाना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी गलती थी? तो गुनाह किया क्या हमने? गुनाह किया था क्या? गलती थी, अच्छे के लिए किए लिए, और उन्होंने हमारे पे बेईमान हो गए, बेईमान है बेईमान लोग। मानते हैं मैम ये गलती हुई है जो 32 साल पहले हाथ दिया आपने और पार्टी को तोड़ने का काम किया गया? नहीं नहीं, उनका विश्वास था, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका ये विश्वासघात किया है उनको, उनको देखो उन्होंने भाजपा वाले ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया भाजपा वाले ने। तो 2024 में गद्दारों को सबक सिखाएगी महाराष्ट्र की जनता? सिखाएगी, जरूर सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। हमारी काफी है चाहती हूँ, अब तुम्हारे साथ है राहुल गांधी जी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहना चाहती हूँ उद्धव साहब जैसे पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे वैसे उनका बेटा घूम रहे, अभी ये घरानेशाही बोल रहे हैं अमित शाह, उसका बेटा कौन है क्या है वो, कैसे अपने बेटे चलते हैं दूसरे के बेटे नहीं चलिए क्या? हाँ 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, 140 खुद के फैमिली लेके देखो, पहला खुद के फैमिली देखो, हमारे बाला साहब की तो फैमिली है। आप देख सकते हैं कि जनता में एक रोष है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में गद्दारों को बखूबी सबक सिखाएंगे, क्या सिखाएगी।